वहीं दिल्ली के डिप्टी सीएम सिसोदिया ने हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर पर करारा जुबानी वार किया कि उन्होंने कहा कि बीजेपी जयराम ठाकुर को हटाकर अनुराग ठाकुर को सीएम बनाना चाहती है। बीजेपी को उनकी नाकामी याद आ गई है, उन्हें पता लग गया है कि सीएम जयराम ने जनता के लिए कोई भी काम नहीं किया है। तो हिमाचल में भी चूंकि इस साल के अंत में चुनाव होने हैं, आप जानते हैं, वहां भी आम आदमी पार्टी काफी सक्रिय हो गई है। खासतौर पर पंजाब चुनाव के परिणाम के बाद आम आदमी पार्टी पूरे कॉन्फिडेंस में नजर आ रही है। हिमाचल में आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं की ओर से रोड शो किया जा रहा है, आम जनता के बीच जाकर जीत का दावा कर रहा नेताओं की ओर से किया जा रहा है। इस बीच सिसोदिया का कहना है कि अनुराग ठाकुर को अब सीएम बनाना चाहता है बीजेपी हाईकमान, चूंकि उन्हें पता लग गया है कि जयराम ने कोई भी काम जनता के हित में नहीं किया है। हिमाचल की जनता को रेस्पॉन्स को देखते हुए अब ये पता चला है कि भारतीय जनता पार्टी इतनी बुरी तरह से घबरा गई है कि वहाँ पे अपना मुख्यमंत्री बदलने जा रही है। हमें बहुत अंदर से विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि भारतीय जनता पार्टी केजरीवाल जी की लोकप्रियता और केजरीवाल जी के प्रति हिमाचल की जनता ने जो कल रेस्पॉन्स दिया उससे घबरा के अपनी 4.5 साल की सरकार की नाकामी को अचानक उसको याद आ गया है कि 4.5 साल से सरकार चल रही थी हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी की और उसने कुछ नहीं किया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी एक बेहद नाकाम मुख्यमंत्री साबित हुए हैं। उन्होंने जनता के लिए वहाँ कुछ नहीं किया, ना स्कूल बनवाए, बल्कि स्कूल तो बंद किए, अस्पतालों में कुछ नहीं किया, बिजली पानी का बुरा हाल है, रोज़गार का बहुत बुरा हाल है वहाँ पर युवाओं के लिए। तो 4.5 साल की नाकामी को छिपाने के लिए और जनता के बीच ये कहने के लिए देखिए जी पुराने मुख्यमंत्री ने कुछ किया, पता चला है कि जयराम ठाकुर जी को हटा के अनुराग ठाकुर जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है अब भारतीय जनता पार्टी। पर मैं भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहता हूं कि आप चाहे ये चेहरे बदल लो, 4.5 साल आपने जो हिमाचल की जनता को धोखा दिया है, जो 4.5 साल आपने हिमाचल की जनता की उम्मीदों को तोड़ा है, आपने उनके लिए कुछ नहीं किया, आपको उनकी याद नहीं आई, अब आपको जनता याद नहीं करने वाली है।